ये हैं HP 250 वायरलेस माउस, एंड ये मैंने परचेस किया है 649 रुपीज़ में। एंड ऐसी कुछ पैकेजिंग में आता है ये माउस, तो ऐसी कुछ पैकेजिंग में आता है ये माउस। एंड यहाँ पे सारे फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं, ब्लू LED टेक्नोलॉजी। तो पता नहीं ये इसकी बात कर रहे हैं या सेंसर की बात कर रहे हैं, शायद ब्लू सेंसर हो सकता है, शायद ये इसकी बात कर रहे होंगे, तो वो आगे देखते हैं। एंड इसमें 50 मंथ की बैटरी लाइफ मिलती है, तो वो तो सेल पे डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ कितनी है। तो इसमें जो सेल मिलता है उसकी शायद होगी 50 मंथ बैटरी लाइफ। एंड डोंगल 2.4 वायरलेस GHz, ये तो सभी में होता ही है। एंड यहाँ पे सारे डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हैं, मैक OS क्रोम OS में सपोर्ट करेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर की लिमिटेड वारंटी है, तो 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। तो अभी इसे अनबॉक्स करते हैं। आप जब भी HP का माउस ओपन करें तब आप फ्रंट से ही ओपन करें, क्योंकि बैक से ओपन करने पर रिसीवर यहाँ पे आता है टॉप की तरफ पे। मैंने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि ऊपर की तरफ पे यहाँ पे ही रिसीवर एंड सेल आता है। यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको वो सेल को निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो आप देख सकते हैं मैं इसकी बात कर रहा था। सेल एंड रिसीवर आपको ऊपर की तरफ ही मिलते हैं, तो आप ऊपर की तरफ से ही अनबॉक्स करें। ये सेल AA सेल है, एनर्जाइजर कंपनी का है। एंड ये रिसीवर है, ब्लू रिसीवर है, तो काफ़ी यूनिक है, डिफरेंट है। एंड यहाँ पे सारे डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हैं रिसीवर में, मॉडल RXC। तो रिसीवर मुझे काफ़ी पसंद आया इसका। तो इसमें आप DPI वगैरह भी चेंज कर पाएंगे, ऐसे दोनों बटन को क्लिक करके, लेफ्ट एंड राइट क्लिक को 3 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे तो 1000, 1200, 1600 DPI तक चेंज होगा। एंड ऐसे कुछ आप यहाँ पे इस माउस को सेटअप कर पाएंगे, सेल वगैरह लगा पाएंगे। तो बॉक्स में आपको वारंटी कार्ड, सेल, मैनुअल, रिसीवर एंड ये माउस मिलता है। माउस की पैकेजिंग आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, इसमें ये प्लास्टिक भी ऊपर से दिया है, तो इसे पील ऑफ कर देते हैं। माउस ब्लैक कलर में है, एंड टॉप सरफेस आप देख सकते हो ग्लॉसी पियानो ब्लैक में है, तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। एंड यहाँ पे मैट फिनिश में है, तो ड्यूअल कॉम्बिनेशन मैट एंड ग्लॉसी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। एंड यहाँ पे HP का लोगो वाइट कलर में है, तो ऐसा कुछ है। माउस का शेप एंड डिज़ाइन आप देख सकते हो, मैं आपको 360 डिग्री घुमा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे ग्रोव्स बने हैं अर्गोनॉमिक्स के लिए। माउस में अर्गोनॉमिक्स एंड कंफर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे हैंड में ये काफ़ी अर्गोनॉमिक्स एंड कंफर्टेबल लग रहा है। मैं इससे काफ़ी इम्प्रेस हूँ, इसका ये शेप होने की वजह से ये काफ़ी कंफर्टेबल है। आप देख सकते हैं नॉर्मल माउस में ऐसा शेप आता है, लेकिन ये स्पेशली अर्गोनॉमिक्स के लिए एंड कम्फर्ट के लिए ऐसा शेप दे दिया जाता है। एंड टॉप सरफेस ग्लॉसी होने की वजह से आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट अभी से आने लग गए हैं, एंड इसे साफ़ करना भी ईजी है। आप देख सकते हैं मैं टी शर्ट से इसे क्लीन कर दे रहा हूँ, तो ये हो जा रहा है, तो क्लीनिंग भी इजी है। माउस में टोटल 3 बटन्स हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड स्क्रॉल व्हील में पुश बटन। एंड DPI कंट्रोल भी हैं, तो आपको DPI के लिए अलग से बटन नहीं मिलता है, आपको ये 2 बटन दबाने हैं DPI को चेंज करने के लिए 3 सेकंड तक, तो DPI चेंज हो जाएगा। तो ये मुझे आइडिया काफ़ी पसंद आया, क्योंकि DPI के लिए एक्स्ट्रा बटन तो बहुत ज़्यादा बटन्स हो जाते हैं, तो ये नीट एंड क्लीन लुक आता है 3 बटन्स होने की वजह से, तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। एंड स्क्रॉल व्हील आप देख सकते हो ये रबर मटेरियल में है, एंड काफ़ी सॉफ्ट एंड प्रीमियम फील है इस स्क्रॉल व्हील की। एंड बॉटम में ये ऑन ऑफ के लिए स्विच है, एंड ये कनेक्ट का बटन दिया है, अगर कभी मिस्टेकली आपका माउस डिसकनेक्ट हो जाता है PC के साथ तो आप फिर से यहाँ से रिकनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए दिया है। एंड यहाँ पे ये सेल के लिए कंपार्टमेंट दिया है, जो कि यहाँ पे AA सेल लगता है। एंड यहाँ पे आप रिसीवर को स्टोर कर पाएंगे, कहीं पे ले जाना हो तो ऐसे स्टोर कर पाएंगे। एंड ये सेंसर है जो कि सपोर्ट करता है मैक्सिमम 1600 DPI को, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअल में मैक्सिमम 1600 DPI है। एंड ऐसे फुटपैड्स दिए हैं सरफेस पे ड्रैग करने के लिए, तो काफ़ी यूनिक शेप है, बाकी नॉर्मली माउस में ऐसे या फिर राउंड शेप में आते हैं, इसमें काफ़ी यूनिक ऐसा शेप दिया है, तो सरफेस पे आप आसानी से ड्रैग कर पाओगे। माउस का साइज़ आप देख सकते हो कॉम्पैक्ट माउस नहीं है, इसका साइज़ नॉर्मल साइज़ में आता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, आप
देख सकते हैं ये कॉम्पैक्ट साइज़ में है एंड ये नॉर्मल साइज़ में है, तो काफ़ी कंफर्टेबल लगता है यूज़ करने में। एंड ज़्यादातर स्मॉल माउस में ऐसा शेप हो जाता है हैंड का, तो उसकी वजह से हाथ दर्द करने लगता है। तो मैं आपको साइज़ डिटेल में बता देता हूँ। लेंथ है इसकी 4.5 इंच, वाइड है टॉप सरफेस 2.3 इंच एंड ये बॉटम सरफेस है 2.6 इंच। तो माउस का वेट विदाउट रिसीवर एंड विद सेल होता है 88 ग्राम। माउस को अभी पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं एंड इसे ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है एंड इसका सेंसर ब्लू है, तो काफ़ी ऑसम लग रहा है। बाकी नॉर्मली माउस में आप देख सकते हो ऐसे रेड कलर में आता है, तो ये ब्लू काफ़ी यूनिक एंड ऑसम लग रहा है। एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है एंड कोई भी लैग नहीं महसूस हो रहा है, काफ़ी स्मूथली ये वर्क कर रहा है। एंड आई थिंक ये सबसे कम DPI है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 1000 DPI है, 1200 है एंड 1600 है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये 1000 DPI है एंड अभी हम चेंज करेंगे इसे 1200 DPI में। तो दोनों बटन को दबाना है, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक 3 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे ये इंडिकेशन आ गया कि हो चुका है DPI चेंज, तो ये 1200 है DPI, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड अभी हम 1600 DPI को करेंगे, तो यहाँ पे इंडिकेशन आएगा, तो ये आ चुका है, ये 1600 है, तो नॉर्मल यूज़ के लिए सफिशेंट है इतना DPI। एंड अभी हम कुछ बेसिक टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, जैसे कि डबल क्लिक आसानी से हो रहा है, ड्रैग भी आसानी से हो रहा है काफ़ी स्मूथली, एंड राइट क्लिक भी आप देख सकते हो आसानी से हो रहा है, एंड स्क्रॉल व्हील भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो आसानी से पेज को स्क्रॉल कर पा रहा है, एंड वर्ड वगैरह भी आप आसानी से सिलेक्ट कर पाओगे इसमें। माउस में आप क्लिक्स की साउंड सुन सकते हो। प्रीमियम है इसके क्लिक्स, प्रीमियम फील होते हैं। नॉर्मली इतने दूर तक माउस को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ग्राफिक डिज़ाइन टेस्ट। गेमिंग टेस्ट। माउस में अभी मैंने पोलिंग रेट टेस्ट किया तो मैक्सिमम है 130 हर्ट्स, तो नॉर्मल यूज़ के लिए सफिशिएंट है। एंड अगर आपको पोलिंग रेट के बारे में नहीं पता तो आप देख सकते हैं माउस की पोजीशन ऐसे बार बार चेंज होती रहती हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन CPU के पास जाती हैं। तो 130 हर्ट्स मतलब कि 1 सेकेंड में CPU के पास इसकी इन्फॉर्मेशन जाती हैं, तो ये होता है पोलिंग रेट। तो फाइनली 649 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा वायरलेस माउस है, क्लिक्स एंड स्क्रॉल व्हील काफ़ी ऑसम है एंड एर्गोनॉमिक्स एंड कंफर्ट भी काफ़ी ऑसम है, तो आप बिल्कुल इसे परचेस कर सकते हैं। एंड कभी कभी ऑनलाइन प्राइस कम भी हो जाती है, 500 रुपीज़ तक भी चली जाती हैं, तो ये काफ़ी ऑसम डील है। माउस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एर्गोनॉमिक्स कंफर्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लिक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आँख बंद करके इसे परचेस कर सकते हैं। ओवरऑल 649 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा वायरलेस माउस है, आप बिल्कुल इसे परचेस कर सकते हो। एंड माउस की बिल्ड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस आपने वीडियो में देख ही लिया है, तो आपका कोई क्वेश्चन हो इस माउस के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।